नमस्कार, मैं पुष्पा चौहान इनसाइडर लाइव में झारखंड की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत करती हूं। रामगढ़ की विधायक ममता देवी से जुड़े मामले की होने वाली सुनवाई आज के लिए टल गई। दरअसल हजारीबाग सिविल कोर्ट के अधिवक्ता असमंजस विश्वास का निधन हो गया, जिसके बाद आज कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं इस मामले में अब ममता देवी को एक दिन की मोहलत भी मिल गई है। वे फिलहाल ममता सहित अन्य आरोपी सेंट्रल जेल हजारीबाग में है। बता दें कि ममता देवी को 8 दिसंबर को हजारीबाग कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिया गया था। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल वह होटवार जेल में है। पूजा सिंघल को ये पूरा साल जेल में ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की गई है। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ में जमानत पर सुनवाई हुई। जमशेदपुर के परसुडी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के बच्चों को उपायुक्त से मिड डे मील की सच्चाई कहने की सजा मिली है। स्कूल की प्रिंसिपल सरोज सोरेन ने सच बताने वाले बच्चों को डंडे से पीटा। इस दौरान स्कूल के कई बच्चे घायल हो गए। इस बारे में जब प्रिंसिपल सरोज से बात करने की कोशिश की गई तो वह बात को टालती रही और पिटाई की बात से इनकार कर दिया। वहीं लगभग 150 बच्चों पर मात्र 2 शिक्षक वाले इस स्कूल के बच्चों के परिजन सोमवार को स्कूल खुलने पर इसकी शिकायत लेकर पहुंचे। साइबर अपराधियों ने अब हजारीबाग के जिला आपूर्ति कार्यालय को अपना निशाना बनाया। सबसे पहले साइबर अपराधियों ने डीएसओ अरविंद कुमार का लॉगिन हैक कर लिया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड जारी कर दिया। इससे जिला आपूर्ति कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। साइबर अपराधियों ने ग्रीन कार्ड को गुलाबी कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। बता दें कि गुलाबी कार्ड पर परिवार के हर सदस्य को 1 रुपए किलो की दर से 5-5 किलो सामग्री मिलती है। धनबाद के बैंक मोड़ के विकास नगर में अपराधियों ने कोयला कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक का नाम सहनवाज सिद्दीकी उर्फ बबलू है। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बोकारो के बेरमो में हुए शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का कार्यक्रम चल रहा है और दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं। इस दौरान लोग उन्हें आशीर्वाद और गिफ्ट दे रहे हैं। वहीं दोस्त ने दूल्हा दुल्हन को रसोई में काम आने वाले बर्तन, झाड़ू जैसे कई चीजें गिफ्ट देते हैं, जिसे लोग देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। धनबाद के कोल वाशरी प्लांट में अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिए। इस दौरान प्लांट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अपराधियों ने बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि 2 दर्जन की संख्या में आए चोरों के पास पिस्टल, तलवार, भुजाली समेत अन्य कई हथियार थे। बोकारो स्टील में काम करने वाले ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर महाधरना दिया गया। इससे पहले एटक की ओर से 2 दिनों तक गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया था। आज इसको लेकर महाधरना दिया जा रहा है और आगे प्लांट के अंदर सभी ठेका मजदूरों को एकजुट कर प्रबंधक के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में सरेंडर से छूट को लेकर ढुल्लू महतो के एग्जम्पशन पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही ढुल्लू महतो को 4 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने निचली अदालत से LCR की मांग की है। अब ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। रांची के कांके अंचल के हल्का कर्मचारी जयवीर भगत के साथ कांग्रेस नेताओं ने मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नेता पूर्व मुखिया सोमरा उराव और कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष ने मारपीट की है। इस दौरान जयवीर भगत को हल्की चोट लगी है।
पूरी घटना की जानकारी उन्होंने अंचल अधिकारी को दे दी है। इसके बाद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।